आतंक है वो तो जो आतंक अभी जिसको हम भगवा आतंक कहते हैं सैफरन टेररिज्म उसका एक हिस्सा है। तो मेरा सोचना ये है कि इसको थोड़ा और चौड़ा किया जाता, खुला रखा जाता, क्योंकि अभी लोग बड़ा दाएं बाएं कर लेते हैं गलियां, जैसे गांधी जी की हत्या करके और बाद में गोडसे कहने लगे कि मेरा संघ से ताल्लुक नहीं है, तो कोई बात नहीं, संघ जो है वो एक संगठन है, लेकिन ऐसे संगठन हैं शिवसेना से लेके हिंदू महासभा से लेके, मतलब जो अपने आप को मौका पड़ने पे जब किसी एक पर कोई पकड़ में आए तब वो कहते हैं कि हम लोग इनसे अलग हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि सिर्फ एक संगठन की बात नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है, एक प्रवृत्ति की बात है। जब एक के बाद एक तीन हत्याएं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में लेखकों की हुई, तो अक्सर जब हम लोगों ने यहाँ पे इसी हॉल में प्रतिरोध नाम से दो आयोजन किए तो हमको लोग कहते थे कि देखिए जहाँ हत्या हुई वहाँ तो सरकार भाजपा की नहीं है, या और भी इस तरह की दलीलें अक्सर दी जाती हैं कि हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। इसलिए ताल्लुक एक पार्टी का, एक संगठन का या एक संघ का है ही नहीं, एक मानसिकता की बात है, एक मनोवृत्ति की बात है। अगर वो मनोवृत्ति हिंसक है, वो अपने ही समाज में जो है उस लोगों को दुश्मन मान के चलती है और उनके उनको डराती है, उनको आतंकित करती है, उनकी जान भी लेने पर आमादा होती है, तो हम उस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम लोग इस चर्चा में, चाहे नाम संघ का है, पर ये जो आसपास के और जो छुटवैये संगठन हैं, और कुछ उसमें छुटवैये नहीं भी होंगे, मजबूत भी होंगे, सत्ता से भी जुड़े हुए होंगे शिवसेना की तरह, दिन भर की जो चर्चा होगी ये, इसको संघ तो है ही प्रमुख रूप से, लेकिन उनको भी ताकि उस इसका लाभ उनको न मिले कि चलिए ठीक है अभी संघ की बात हो रही है। जैसे कि गोडसे की जब बात हुई तब कहा गया कि ठीक है संघ की बात तो हो नहीं रही है क्योंकि गोडसे ने कह दिया अदालत में मैं तो संघ से ताल्लुक रखता नहीं हूँ, भले बाद में उनके भाई ने बाद में जाके कहा कि हम थे तो संघ के ही चट्टे बट्टे, लेकिन संघ को बचाने के लिए हमने ये झूठ बोल दिया था।